मॉर्निंग चिल्ड्रन, स्टैंडर्ड थर्ड का P5 लेक्चर है आज। मैंने आपको लास्ट टाइम पे नन्ना मित्र का सिखाया था। मैंने नन्ना मित्र मैंने आपको स्टोरी बताई थी, जो कहानी है वो मैंने बताई थी। उसमें चीकू नाम का जंगल था, उसमें चीकू नाम का चूहा रहता था, वो मैंने आपको बताया था। आज हम उसका डिक्टेशन वर्ड वगैरह में आपको डिक्टेट करेंगे। वो लेसन पूरा हो गया था, मैंने ये आपको बताया था, फिर भी मैं आपको वापस से रिपीट करूँगी। नुकीले, नुकीले मीन्स क्या? पॉइंटेड। नुकीले मीन्स व्हाट? पॉइंटेड। ये लेसन नंबर 3 का है। नन्ना मित्र मतलब छोटे से छोटा भी हमारा फ्रेंड हो सकता है, छोटे से छोटा भी हमारा दोस्त हो सकता है। दोस्ती के अंदर छोटा बड़ा कोई नहीं होता। उसके अंदर ये नीचे जो डिक्टेशन वर्ड्स है, मैं आपको वो डिक्टेट करेगी। नुकीले, नुकीले मीन्स व्हाट? पॉइंटेड। झांक कर, झांक कर मतलब हम ऐसे देखते हैं ना इसे, क्या है, कौन है, आप मोबाइल में देख रहे हैं, ऐसे कंटिन्यू देख रहे हैं, यहाँ वहाँ हम देखते हैं, उसे हिंदी में झांकना कहते हैं। पत्ता, पत्ता मतलब लीफ। शिकारी, जो जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं वो मतलब एनिमल्स को पकड़ते हैं, जैसे मतलब पक्षी को भी पकड़ते हैं, एनिमल्स को भी पकड़ते हैं, बड़े बड़े जानवरों को, बाहर से जो लोग आते हैं या कोई भी किसी को भी पसंद रहता है शिकारी करना, उसे शिकारी कहते हैं। शिकारी मतलब जो भी हम किसी एनिमल्स को नेट डाल के, कपड़ा डाल के, डॉग को कुछ ऐसे खाना खिला के उसे हम पकड़ लेते हैं जंगल में, उसे हम शिकारी कहते हैं। दोस्ती मतलब फ्रेंडशिप। दोस्ती कैसी थी ये शेर की और इसकी चूहे की? एकदम बहुत अच्छी। शेर तो कितना बड़ा था लेकिन चूहा एकदम छोटा था, इसीलिए मैंने पहले कहा दोस्ती में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए दोस्ती का क्या मतलब है। जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, आज आप थर्ड स्टैंडर्ड में हो लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड का भी आपका फ्रेंड हो सकता है, जूनियर का भी बच्चा आपका फ्रेंड हो सकता है, टेंथ स्टैंडर्ड का भी बच्चा आपका फ्रेंड हो सकता है। उसमें ये नहीं होती है कि ये छोटा है या बड़ा है। हम बिल्डिंग में या स्कूल में, सराउंडिंग में कहीं भी खेलते हैं, अपने नेबर्स होते हैं, अपने बहन भाई होते हैं, उसमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। फ्रेंड मीन्स दोस्ती। मदद, मदद मतलब क्या होती है? मदद मतलब हम किसी के काम में आते हैं। काम में आना मतलब जैसे टीचर ने बोल दिया कि जाओ नेक्स्ट क्लास में वो टीचर पढ़ा रही है, आप उससे वो बुक लेके आइए, या हमने किसी को बोल दिया कि अरे आपका कंपास गिर गया है उठा के उनको दे दो, या कोई अब्सेंट है तो उन बच्चों को हम कोई अपनी स्टडीज बताते हैं। जैसे आपके कोई अब्सेंट था कल, कोई फ्रेंड है, उसको आपने जो डिक्टेट किया कि अरे ये सब सिखाया था टीचर ने लेकिन आप नहीं थे, हर चीज़ की मदद होती है। शॉप में जाना, कहीं भी जाना है, बाहर से आते जाते हैं, तो ये सब चीज़ की हम कुछ भी किसी को मदद करते हैं, मम्मी लोग को हेल्प करते हैं, मदद मतलब हेल्प होती है तो उसे कहते हैं मदद। धन्यवाद, धन्यवाद मतलब क्या? थैंक यू। हम थैंक यू किस चीज़ के लिए कहते हैं? या तो हमें कोई मदद करता है, जैसे आपने किसी को कोई चीज़ दिया है तो वो आपको क्या रिप्लाई देगा? थैंक यू। हिंदी में कहते हैं धन्यवाद। धन्यवाद क्या होता है? इसी चीज़ को हम धन्यवाद कहते हैं। जैसे हमने किसी को लिखने के लिए बैग लेके आ गया वो, लेकिन वो पेंसिल या पेन नहीं लाया है, तो वो हमें उनको देना है, तो वो लिखने के बाद में आपको रिटर्न करेगा, तो आपका फ्रेंड आपको बोलेगा थैंक यू मतलब धन्यवाद। हमने किसी का काम किया, दुकान वाले से कोई चीज़ ली है, उसको हमने चेंज दिया है, तो वो आपको थैंक यू बोलेगा। ओके। उपकार, उपकार ऐसे होता है कि मतलब जैसे कि कोई आपका कोई काम कर देता है तो वो आपका उपकार कर दिया। अगर हमने किसी का काम कर दिया है, बहुत अच्छा सजेशन दिया है, किसी को कोई बात करके आपने बहुत बड़ा उपकार,
खुशी होना वो भी एक चीज़ होती है। खुशी होना अगर आप दूसरे को किसी को हेल्प करते हैं उसमें भी हमें एक खुशी मिलती है, उसे भी हम प्रसन्न कहते हैं। समझदार, इंटेलिजेंट, समझदार मतलब क्या होता है, जो भी जो समझदार रहता है, अरे वाह ये कितना समझदार बच्चा है, शांत बैठता है, मस्ती नहीं करता है, किसी का टिफिन नहीं लेता है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, वो समझदार। ये करके आपको डिक्टेशन वर्ड है, ये आपको नोटबुक में लिखना है। अभी इस पीरियड से मैं आपको ये नोटबुक में लिखने वाला जो मैं आपको डिक्टेट करती हूँ वो मैं आपको लिख के नहीं दूंगी। नीचे वर्ड्स मीनिंग्स है, वर्ड मीनिंग्स में है नन्ना मतलब क्या छोटा, टैनी जंगल मतलब वन, फॉरेस्ट बलवान ताकतवर, स्ट्रॉन्ग भोजन मतलब खाना, फूड मदद सहायता मीन्स हेल्प, दहाड़ना शेर की आवाज से चिल्ला देना, ए डोंट बोल दैट साइड, दहाड़ना जोर से बोलना, ये सब है। मुकीले मैंने आपको बताया, पॉइंटेड तेज, दोस्त मतलब मित्र, जानवर मतलब क्या पशु एनिमल्स, प्रसन्न खुशी हैप्पी। क्वेश्चन आंसर है जंगल का राजा कौन था, जंगल का राजा कौन था, जंगल का राजा एक शेर था। सभी जानवर शेर से क्यों डरते थे, क्योंकि वो जंगल का राजा था इसके लिए सब उससे डरते थे। चीकू चूहे ने डरते हुए शेर से क्या कहा, चीकू चूहे ने डरते हुए क्या कहा है, ये आपको लेसन में पढ़ने से आपको पता चलेगा। हिंदी मराठी इंग्लिश कोई भी हो, आपको जब तक आप लेसन नहीं पढ़ते हैं नहीं समझते हैं तब का आपको क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा, तो आपको पढ़ना है, सब कुछ रिटर्न करना है, नोट्स स्कूल से आके लेके जाना है। ये लेसन मैंने ऑलरेडी आपको डिक्टेट किया था लेकिन मतलब गैप होने की वजह से मैंने वापस से आपको रिपीट किया है। इसके नोट्स सब आपको स्कूल से मिलेंगे, मैसेज आएगा तभी आके आपको लेके जाना।